जय श्री कृष्णा। वशीकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो आप YouTube पे देखते होंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे प्रयोग कर दें जिससे कि वो आपके वश में हो जाए। जैसे कई बार ये बताते हैं कि उसका नाम लिख के आप वहाँ पे रख दें और ये तीन शब्द का मंत्र बोल दें। कई बार कुछ लोग ये प्रयोग बताते हैं कि एक धागे में 7 गांठें लगा दें और उस व्यक्ति को पहना दें तो वो व्यक्ति वही करेगा जो आप चाहते हैं। तो क्या इन प्रयोगों में वाकई में कोई सच्चाई है? इन प्रयोगों के द्वारा वशीकरण संभव है या नहीं, इन सब बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही वशीकरण से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे कि वशीकरण किन परिस्थितियों में किया जाता है और वशीकरण किसी की भलाई के लिए किया जाता है तब उसका क्या प्रभाव है, और जब वो किसी के ऊपर बुरा असर डालने के लिए, उसके बुरे के लिए किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम अपने चैनल के द्वारा आपको समय समय पर ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते आए हैं। आज हम वशीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि वशीकरण होता क्या है। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को वश में करना, उसके धन का, उसके बल का, उसकी बुद्धि का या उसके प्रेम का अपने अनुसार उपयोग करना, उसको कहते हैं वशीकरण। आजकल युवा वर्ग इस सब चक्रों में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बहुत कम समय में उन्हें बहुत अधिक प्राप्ति हो जाए। अगर आज के युग की बात करें तो वशीकरण को समझने के लिए सबसे सरल उदाहरण ये है कि जो आजकल आप सुनते हैं कि हैकिंग हो गई है, किसी की आईडी को हैक कर लिया है, तो वो हैकिंग के द्वारा क्या करते हैं कि उसकी आईडी के आधार पे वो जैसा चाहते हैं उसके आईडी का उपयोग कर सकते हैं, अपने अनुसार उसका दुरुपयोग वो कर सकते हैं। तो अगर वशीकरण को आप इस रूप में समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वशीकरण का उपयोग राजा महाराजाओं के दौर में राज्य की भलाई के लिए किया जाता था, राज्य की सुरक्षा के लिए किया जाता था। जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उनको एक मणि पहनाई जाती थी जो कि पर्ण वृक्ष से बनी हुई होती थी। उस मणि को मोहन मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके राजा को पहना दिया जाता था। उसका प्रभाव ये होता था कि और भी दूसरे राज्य के राजा या मंत्री कोई भी जब राजा से मिलने आते थे तो वो राजा की बुद्धि से, उनके आचार व्यवहार से प्रभावित हो जाते थे और अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वशीकरण का प्रयोग मोहन मंत्र के द्वारा मोहित करने के लिए किया जाता था। आजकल के समय में इस तरह के वशीकरण का उपयोग कुछ आश्रमों में किया जाता है। वो चाहते हैं कि उनके बहुत सारे अनुयायी हों, बहुत सारे शिष्य हों जो पूरी तरीके से उनके ऊपर समर्पित हों, इसलिए वो मोहन मंत्र का उपयोग करके शिष्यों को अपनी बुद्धि के द्वारा मोहित कर लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि शिष्य लोग वही करते हैं जो उनके गुरु चाहते हैं, जहाँ वो जिस तरीके से वो चाहते हैं उनके बल का, उनके बुद्धि का और उनके ज्ञान का उपयोग कर लेते हैं। वशीकरण का उपयोग सेना के ऊपर भी किया जाता था। अपनी सेना की सुरक्षा के लिए और जीत के लिए वशीकरण का उपयोग दूसरी सेना के ऊपर किया जाता था। इस तरह के वशीकरण का जो असर होता है वो कुछ समय के लिए होता था। तो जब कोई सेना आमने सामने होती थी और अगर उनके ऊपर इस तरह का प्रयोग किया जाता था वशीकरण का, तो उस दूसरी सेना को ये लगता था कि इनका कौशल बहुत अच्छा है, ये बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से वो उनके कौशल से प्रभावित हो जाते थे और हार जाते थे। इसी तरह युद्ध में जो रणदुम्भी बजाई जाती है उसमें स्वर के द्वारा वशीकरण किया जाता था। तो जैसे ही वो रण की दुम्भी बजती थी
तो दूसरी सेना के जो सैनिक होते थे वो अपना बल छोड़ देते थे, मतलब उनका बल हर लिया जाता था उसके द्वारा। उनको लगता था कि हम बहुत कमज़ोर हैं और सामने वाली सेना बहुत शक्तिशाली है, तो वो इस डर से, इस भय से रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाते थे। तो वशीकरण का उपयोग सिर्फ किसी गलत काम के लिए नहीं किया जाता था, अपने राज्य की सुरक्षा और किसी चीज़ पे जीत हासिल करने के लिए वशीकरण का उपयोग किया जाता था। कुछ लोग वशीकरण का उपयोग धन प्राप्ति के लिए भी करते आए हैं, जैसे कि उनको ये लगता था कि इस व्यक्ति के जाने के बाद ये पूरा धन हमें मिल सकता है, तो वो उस व्यक्ति को मारने के लिए वशीकरण का उपयोग करते थे और उसका धन पूरा हड़प लेते थे। जो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी नफरत के चलते भी दूसरों को मारने के लिए वशीकरण का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से वशीकरण का उपयोग कई तरह से होता आया है। वशीकरण का उपयोग करके कई बार बहुत विकट समस्याओं से भी निपटा जा सकता है, जैसे कि अगर किसी को कोई बुरी आदत हो गई है, वो किसी बुरी संगत में पड़ गया है, किसी नशे का आदि हो गया है, तो भी उसके ऊपर वशीकरण मंत्र के द्वारा वशीकरण करके उसकी बुद्धि को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वशीकरण सिर्फ किसी को प्यार करके उसको पा लेना या किसी को अपने कब्जे में कर लेना और अपनी बात मनवा लेना से बस संबंधित नहीं था। आज वशीकरण का रूप पूरी तरीके से बदल दिया गया है। हर किसी को ये लगता है कि वशीकरण कोई गलत चीज़ है या वो वशीकरण के द्वारा किसी ने किसी को वश में कर लिया है और परिवार बर्बाद हो रहे हैं या लोग दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं। तो अगर वशीकरण का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जाए तो ये बहुत प्रभावशाली प्रक्रिया होती है, और अगर किसी गलत इंटेंशन से किया जाए, अगर किसी गलत भावना से आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव जितना उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा उतना ही आपके ऊपर भी पड़ेगा। उम्मीद है आप वशीकरण का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वशीकरण तंत्र, मंत्र और यंत्र के द्वारा किया जाता है, और वशीकरण बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि आप ये सरल छोटे छोटे उपयोगों के द्वारा इनको प्रयोग में लाके और किसी को अपने वश में कर लें। पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि कभी भी इस तरह के वशीकरण का उपयोग किसी भी सांसारिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को, गृहस्थ जीवन में रहने वाली स्त्रियों को, व्यक्तियों को कभी भी इस तरह के प्रयोग उपयोग में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरह के प्रयोग खुद किए और उनमें कोई गलती हो गई तो उसका प्रभाव आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। आप अगर किसी दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको ज़बरदस्ती अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो व्यक्ति खुद आपके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए स्वयं से इस तरह के कोई भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ समस्याओं के निदान के लिए, अगर किसी को किसी बुरी संगत से निकालने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी उस प्रयोग को करवाते समय या करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कुंडली में कोई भी इस तरह की महादशा, अंतर्दशा किसी ग्रह की तो नहीं चल रही है जो उसको विपरीत परिणाम दे। कई बार कुछ लोग अपने घर के लोगों को सुधारने के लिए ही सही अगर उनके ऊपर वशीकरण का उपयोग करते हैं और उस समय उनकी कुंडली में मार्केश की स्थिति चल रही होती है, तो आप जिन्हें पाना चाहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा सकते हैं, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए इस तरह के किसी भी प्रयोगों को करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन सब प्रयोगों का आपको इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी विशेष परिस्थिति में आप तांत्रिकों के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो तांत्रिक भी जो आपको प्रयोग करके देते हैं या जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, देखिए वो सब तंत्र क्रिया करने वाले जो लोग होते हैं वो साधना करते हैं। जिस तरह से मंत्र मार्ग है उसी तरह से एक तंत्र मार्ग है।
तो जो तंत्र मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं वो सांसारिक जीवन में नहीं रहते हैं, वो उनका जीवन दूसरे तरह का होता है और वो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं तब वो किसी भी तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं वो किस तरह से प्रयोग करते हैं, उनके ये जो प्रयोग की कैटेगरी होती है, जो इनका स्तर होता है, वो तीन तरह का होता है। एक होता है निम्न स्तर का वशीकरण, एक होता है मध्यम श्रेणी का वशीकरण और एक होता है उच्च श्रेणी का वशीकरण। तो जो निम्न तरीके का, सामान्य तरीके का जो वशीकरण होता है वो देवताओं के द्वारा होता है। देवताओं की पूजा पाठ करके, मंत्रों का उच्चारण करके, देवताओं को प्रसन्न करके वशीकरण किया जाता है। तो ये जो वशीकरण वाले देवता होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जैसे कृष्ण जी को वशीकरण का देवता कहा जाता है, और कामाख्या देवी जी हैं, तारा देवी हैं और कामदेव जी हैं, रति देवी हैं, ये सब वशीकरण के देवी देवता माने जाते हैं। तो इनकी पूजा पाठ करके, इनके मंत्रों का उच्चारण करके वशीकरण जब किया जाता है तो वो सामान्य श्रेणी का वशीकरण होता है। द्वितीय श्रेणी का जो वशीकरण होता है, मतलब जो मध्यम श्रेणी का वशीकरण होता है, वो वशीकरण प्रेत आत्माओं के द्वारा करवाया जाता है। प्रेत आत्माओं को उनके पास भेज के, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के पास में उन प्रेत आत्माओं को भेज कर उन पर ये वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रेत आत्माएँ होती हैं ये उस व्यक्ति विशेष के पास जाके वो संदेश देती हैं, वैसा बार बार माहौल क्रिएट करती हैं, उस तरह के उनको एक अनुभूति देती हैं कि वो उसमें बंधते चले जाते हैं। जैसे कि वो बार बार उस व्यक्ति का ध्यान उनके मन में लाएंगे, या अगर वो किसी को किसी बुरी संगत से दूर करना चाहते हैं तो वो बार बार उनके मन में ये ख्याल लाएंगे कि ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ सही है। तो इस तरह से प्रेत आत्माएं लोगों के संपर्क में आके उनके मन में वो आते हैं और बुद्धि को वो परिवर्तित करते हैं। ये मध्यम श्रेणी का वशीकरण होता है। फिर सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का जो वशीकरण होता है, जो सबसे तीव्र वशीकरण जिसको कहते हैं, तो तीव्र वशीकरण में प्रेत आत्माओं को भेजा जाता है उस व्यक्ति विशेष के पास में। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेत आत्माएं जब उस व्यक्ति विशेष के पास जाएंगी तो उसका क्या हाल होगा या उसकी क्या स्थिति होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो तीव्र वशीकरण किया जाता है तो वो उस वशीकरण में अगर उस व्यक्ति के कुंडली बहुत स्ट्रांग है, उस समय जो उसके ग्रहों की दशा, अंतर्दशा चल रही है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर तो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर उस परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके उस समय स्टार्स फेवर में नहीं हैं, उसकी दशा, महादशा कुछ कमज़ोर ग्रहों की चल रही है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी हावी हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब प्रयोगों का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, और ये सामान्य लोगों के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो चाहे वो प्रयोग छोटा हो, बड़ा हो, अगर आपने प्रयोग में कोई गलती कर दी तो भी उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, और अगर आपने किसी तंत्र के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा अगर वशीकरण करने की कोशिश की है और उसमें भी कोई गलती हो गई तो भी परिणाम बहुत बुरा सामने आ जाता है। तो इसलिए ये वशीकरण के द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं YouTube में, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित ना करें, इनको ना देखें और ना इनकी बातों में आएं। हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो संस्कृति है, उसको अच्छे रूप में लोग समझें, उसको अंधविश्वास की तरह ना लें। पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, यही शक्तियाँ किसी का जीवन भी बदल सकती हैं और यही शक्तियाँ किसी के मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। ये जो तंत्र मार्गी लोग होते हैं ये बहुत कठिन तप करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनकी बराबरी करके, और अगर सोचते हैं कि ये सब आपके लिए संभव है, आप कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण रखें,
और प्रेम से ही सबको वश में करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।